पहनती है, इतना लेम एक्सक्यूज देती है, कहती है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अरे ये कोई एक्स्ट्रा हैंडराइटिंग पे मार्क्स देने वाला एग्जाम है क्या? ये मेडिकल के सर एग्जामिनेशन है। यहाँ पर आप किस चीज के ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? साफ तौर पर आप ग्रेस मार्क्स नहीं दे रहे, आप यहाँ पर अपनी जो काली करतूत है उसके ऊपर लिपा पोती करना चाहते हैं, इसलिए छात्रों से कह रहे हैं कि अपना मुंह बंद रखिए। आपको एक बात बता दें, इस देश में केवल 700 मेडिकल कॉलेज है और केवल 1,00,000 मेडिकल सीटें हैं, और इस साल की बात करें तो 24,00,000 से ऊपर एस्पिरेंट्स बैठते हैं वो एग्जाम देने के लिए। कितनी मेहनत करके, कितना सैक्रिफाइस करके घर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं किसी तरह की वो मेडिकल के एग्जाम तक पहुंच पाए। हमारे देश में 12वीं तक पढ़ पाना मुश्किल है, उसके बाद किन किन हालातों में छात्रों एग्जाम तक पहुंचता है, उसके बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। हमारी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जाए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, उसके अलावा एनटीए के जो भी अथॉरिटीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें डिसमिस किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए,